में सर यूज स्टेट का यूज किसी को कोई डाउट है क्या अभी यूज इफेक्ट में, सॉरी सर यूज स्टेट से क्या होता है, मतलब कैसे इस्तेमाल होता है? यूज स्टेट में? यस सर, कोई भी क्वेरी आपकी? सर यूज स्टेट का क्या यूज होता है? कल की क्लास अटेंड की थी? सर कल क्लास में नहीं, लेकिन वीडियो देख। आपके डेटा को कंपोनेंट में लोकली सेव करता है यूज स्टेट, और जैसे ही डेटा में कोई भी चेंजेस होता है सो कंपोनेंट को फिर से रेंडर करता है यूज स्टेट। सो डोम को किसी भी चेंज पे रेंडर करने के लिए हम स्टेट का यूज करते हैं। अंकित, फंक्शन बनाया है काउंटर? यस सर। सर क्या कर रहा है काउंटर फंक्शन? एग्रीमेंट और हाँ वो तो कर रहा है, रेंडर करता है क्या वो HTML को? यस सर। जब आप 1 से 2 करते हो अपने काउंटर को तो क्या आपको रिजल्ट में डॉम के ऊपर 2 दिखता है? चला के देखो अपने PC पे। हाँ
सर वैल्यू तो इंक्रीज होती है और डिक्रीमेंट भी होता है, ओके बट आइडिया नहीं है कैसे। अच्छा, नोट्स बनाए थे यूज इफेक्ट के और यूज स्टेट के। यस सर, यूज स्टेट का नोट बनाया था। यस सर। क्या लिखी है उसकी डेफिनेशन? सर द रिएक्ट यूज स्टेट हुक्स अलाउ यूज टू ट्रैक स्टेट इन फंक्शन कंपोनेंट्स। आगे स्टेट जनरली रिफर टू डेटा और प्रॉपर्टीज दैट नीड टू बी ट्रैकिंग ऑन इन एप्लीकेशन। ट्रैकिंग से क्या मतलब होता है? सर एप्लीकेशन को ट्रैक करता है। एप्लीकेशन को ट्रैक करना नहीं होता, जो भी आप स्टेट डिफाइन करोगे उसके अंदर वैल्यू डिफाइन करोगे वो उसको ट्रैक करता है। ट्रैक इन द सेंस, अगर आपकी स्टेट में जो फर्स्ट वैल्यू है वो है 10, अगर उसमें कोई भी चेंजेस परफॉर्म होते हैं, 10 से वैल्यू 12 होती है, सो उस पर्टिकुलर वैल्यू के रिगार्डिंग आपका जो रिएक्ट कंपोनेंट है वो फिर से रेंडर होता है और आपको एक न्यू वैल्यू प्रोवाइड कराता है। ये आपका कोड है यूज स्टेट का। यहाँ पे जो सिंटैक्स है, जो फर्स्ट आपका फर्स्ट वैल्यू है वो होती है वेरिएबल का नेम। सेकंड होता है एक फंक्शन जो कि आपकी उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करता है। इक्वल टू के राइट साइड में होता है आपका यूज स्टेट और ब्रैकेट्स के अंदर आपको एक इनिशियल वैल्यूज देनी होती है, ठीक है? अगर आपको वैल्यू चेंज करनी है तो सेट काउंट का यूज करो और ब्रैकेट्स के अंदर आप जो भी वैल्यू दोगे वो सेट हो जाएगी आपके काउंट नेम के वेरिएबल के अंदर। ये होता है इसका सिंटैक्स। अब वर्किंग क्या होती है, अगर हम विदाउट यूज स्टेट के कोई और वेरिएबल डिफाइन करेंगे तो वेरिएबल की वैल्यू तो चेंज होगी बट रिटर्न के अंदर ये जो आपने कोड लिखा है बार बार रेंडर नहीं होगा, सो आपके यूजर को ये चीजें दिखेगी नहीं। अगर मैं यहाँ पे एक काउंट नाम का वेरिएबल लेता हूँ सिंपली और उसको चेंज करता हूँ, यहाँ देखो राइट हैंड साइड पे आपके काउंट की वैल्यू चेंज हो रही है पर क्या आपका डोम रिफ्रेश हो रहा है? नो सर। तो इसलिए हम यूज करते हैं यूज स्टेट का, ताकि जब भी हमारी स्टेट में कोई भी चेंजेस हो तो हमारा डोम रिफ्रेश हो और यूजर को आपकी वैल्यू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होती हुई दिखाई दे।
ओके अंकित, क्लियर है आप? यस सर। ठीक है, यूज इफेक्ट पढ़ने का बोला था कल आपको, यूज इफेक्ट पढ़ा है? वॉइस आ रही है मेरी? ये सर आ रही ओके, सो आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ या ना ही बोलना है, सिर्फ पढ़ा है तो हाँ, नहीं तो ना। ये सर पढ़ा है ओके, ये अलग अलग बोलना पड़ेगा। सर। ओके, सो बताओ अमन, बताओ क्या होता है यूज इफेक्ट? सर पर्टिकुलर कुछ चीजों को इफेक्ट डालना चाहे, जैसे कि उसमें हमें कि टाइमर बढ़ाना लेट होगा दिखेगा कि उसमें इफेक्ट आएगा, कुछ कुछ चीजें चेंजेस होंगी, तो सब वही होता है यूज इफेक्ट। ओके किशन, एक्सप्लेन करो यूज इफेक्ट क्या होता है। जैसे कि लाइफ साइकिल पे डिपेंडेंसी होती है, जैसे माउंटिंग होती है कि फर्स्टली अगर लॉकडाउन होता है फर्स्ट टाइम वो मैसेज भी होगा, एंड अगर सिस्टम में अपडेटेशन पे होती है, अगर हम कुछ ड्रोन पे रिकॉर्ड इवेंट्स लगाए वो अपडेट भी मोड पे चल रहे हैं, तो वो मेरा यूज इफेक्ट भी रेंडरिंग क्लाउड करेगा, एंड फ्रंट माउंटिंग में स्क्रीन विजिबल होने पर भी वो स्क्रीन भी ना दिखे, सो उसके लिए यूज करते हैं सर। बहुत ब्रेक ओके, होते हैं। ओके, सूर्यांशु आप एक्सप्लेन करो। ओके सर। सर एट द सेम टाइम जैसे हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे जब हिट करते हैं सर, कर्सर ओवर हिट करते हैं, तो वो वैल्यू कंटिन्यूअस बढ़ती जाती है, या फिर डिक्रीमेंट में करते हैं तो घटती जाती है, तो एट द सेम टाइम जैसे हम कोई साइड इफेक्ट डालना चाहते हैं उसमें, जैसे कलर चेंज करना चाहते हैं या कुछ भी मतलब चेंज करना चाहते हैं, तो सर उस समय पे हम यूज इफेक्ट का यूज कर सकते हैं। ओके, सो सर यस, यूज इफेक्ट हम यूज करते हैं क्लास बेस्ड कंपोनेंट के ऊपर, जब हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट का यूज कर रहे होते हैं तो उसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए हम यूज इफेक्ट का यूज करते हैं, ताकि वो उन साइड इफेक्ट्स को एलिमिनेट कर सके, उसको हैंडल कर सके, नो इसी को तनिश, समझ। हम फंक्शन में यूज करते हैं यूज हाँ इफेक्ट जैसे का, फंक्शन के अंदर क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर यूज नहीं करते हैं, फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट के अंदर बेसिकली हमारा यूज रहता है। और ये सर इफेक्ट के ऊपर, यस, ये सो जो फर्स्ट, सर ये कंपोनेंट्स पे प्री डिफाइंड होते हैं ना, हम लोग इसको फंक्शन कंपोनेंट्स में यूज करने के लिए हुक
प्रॉपर्टी जो बाइक है उसके थ्रू हम लोग ये यूज इफेक्ट एंड यूज स्टेट यूज करते हैं। रिपीट करो किशन, तुम्हारी वॉइस प्रॉपरली नहीं आ रही है। बहुत मेरे को रही जी मैं बोल रहा हूँ सर भी यूज इफेक्ट्स है ये क्लास कंपोनेंट्स में पहले ही प्रीडिफाइंड होते हैं ना। देखो क्लास कंपोनेंट अलग चीज होती है, इन द सेंस ये होता है कि क्लास कंपोनेंट जिस तरीके से हम फंक्शन कंपोनेंट्स के अंदर हुक्स को यूज करते हैं, उसी तरीके से हम क्लास कंपोनेंट के अंदर लाइफ साइकिल्स को यूज करते हैं। जैसे कंपोनेंट डिड माउंट होता है, कंपोनेंट विल माउंट होता है, कंपोनेंट डिड अपडेट होता है, ये सारी चीजें हम यूज करते हैं। हम स्टेट का यूज तो करते ही करते हैं उसमें, बट स्टेट इस तरीके से डिफाइंड नहीं होती जैसे आपने यूज स्टेट करके डिफाइन की है। ठीक है, उसमें अलग तरीके से स्टेट्स डिफाइन होती है और स्टेट्स को चेंज करने का तरीका भी अलग होता है। यहाँ पे जो हमने अभी फंक्शंस के अंदर एक सेट स्टेट नाम का फंक्शन जो सेकंड वैल्यू दी थी हमने, हम उससे वैल्यू चेंज करते थे हमारी स्टेट की, बट क्लास में यही तरीका बदल जाता है। यस सर ओके 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 सो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं यूज इफेक्ट हुक पढ़ना। सबसे पहले बूटस्ट्रैप से सभी फैमिलियर है? बूटस्ट्रैप नो सर, सिर्फ टेलविन पढ़े थे। वो भी सर नहीं पढ़ा तो ओके तो बेसिकली जो आपका यूज इफेक्ट हुक होता है वो परफॉर्म करने के लिए, वो किस पे परफॉर्म होता है? आपके किसी भी साइड इफेक्ट के ऊपर। साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? साइड इफेक्ट्स ये होते हैं जब भी आपकी कोई वैल्यू में चेंजेस होते हैं, उस वैल्यू की चेंजेस के करस्पॉन्डिंग अगर आपको कोई इफेक्ट रन करना है सो आप यूज इफेक्ट की हेल्प से कर सकते हो। जैसे सपोज अगर आप के पास कोई यूजर आता है आपकी वेबसाइट के ऊपर और वो डिमांड करता है कि मेरी को एक बटन चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पर जिसके क्लिक के ऊपर मुझे सारी कंट्रीज का डेटा दिख जाए। ठीक है, सो आप क्या करोगे, उस बटन को एज अ इफेक्ट यूज करोगे। जैसे ही यूजर उस बटन के ऊपर क्लिक करेगा, अब यूज इफेक्ट हुक के अंदर डिपेंडेंसी डालोगे, उस डिपेंडेंसी से आप एक एपीआई कॉल करोगे, डेटा फेच करके यूजर को दिखा दोगे। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि उस बटन का क्लिक जो था वो एक साइड इफेक्ट था आपके कंपोनेंट के ऊपर, और उस साइड इफेक्ट के करस्पॉन्डिंग आपने एक यूज इफेक्ट को एग्जीक्यूट किया जिस यूज इफेक्ट के अंदर एक एपीआई कॉलिंग का कोड लिखा हुआ था। ठीक है, सो कोई भी साइड इफेक्ट हो सकता है। दो तरीके के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। सबसे पहला जो होता है आपका, जब आपका कंपोनेंट बेसिकली रेंडर होता है तब आपका यूज इफेक्ट का फंक्शन चलता है। सेकंड टाइम वो तब चलता है जब आप उसको कोई डिपेंडेंसी देते हो। ठीक है, अब डिपेंडेंसी क्या दोगे ये अभी हम देखते हैं। ठीक है, तब आपको जब आप कोड करोगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। उसके पहले एक छोटी सी चीज देखते हैं जो आपको आनी चाहिए। तो बूटस्ट्रैप पे जाते हैं। बूटस्ट्रैप बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, जो कि क्या किस में यूज आता है? आपके डिजाइनिंग में यूज आता है। डिजाइनिंग में कैसे यूज आता है? यहाँ पे प्रीबिल्ड क्लासेस रहती है, आपको इसका सीडीएन अटैच करना होता है। तो जैसे ही आप ऑनलाइन होंगे तो यहाँ से सीडीएन से आपकी सारी सीएसएस और जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी वर्क करती है। सो ये सीडीएन को आपको कहाँ अटैच करना है ये मैं बताता हूँ आपके एप्लीकेशन के अंदर। सो सबसे जो फर्स्ट पेज जो रहता है वो आपका क्या रहता है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, जो कि पब्लिक फोल्डर के अंदर रहता है। यहाँ पे आप जाओगे तो हेड के अंदर सारे मेटा लिंक्स रहती है, यहीं पे आपको आपकी सीडीएन की लिंक डालनी है, लिंक एचरिफ एंड जावास्क्रिप्ट की लिंक डालनी है। ठीक है, सर यस
सर आपकी वॉइस ओके बहुत okay. ब्रेक हो रही है। स्क्रीन शेयर प्रॉपर हो रही है? सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। और किसी को भी लग रहा है हाँ क्या सर ब्रेक हो रही स्क्रीन है? तो क्वेश्चन शेयर हो रही है, वॉइस ब्रेक हो रही है। रवनीश अमन, वॉइस ब्रेक हो रही है क्या मेरी? यस सर ओके गिव मी अ मोमेंट। ओके अब प्रॉपरली आ रही है वॉइस? यस सर यस सर। ओके सो बूटस्ट्रैप का बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क है जो कि आपकी डिजाइनिंग में यूज होगा। सो ये आपको एक सीएसएस और जावास्क्रिप्ट की लिंक प्रोवाइड कराता है। सीएसएस की लिंक के अंदर आपको सारी सीएसएस मिलती है जो बूटस्ट्रैप यूज करता है बेटर यूजर एक्सपीरियंस के लिए, और जावास्क्रिप्ट के अंदर सारा जावास्क्रिप्ट का कोड रहता है जो कि बूटस्ट्रैप यूज करता है आपकी जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी के लिए। अब आप जब यहाँ पे जाओगे तो आपको इंडेक्स के अंदर ये दोनों लिंक्स टेक्स को अटैच करना है, जो फर्स्ट है वो सीएसएस के लिए, जो सेकंड है वो जावास्क्रिप्ट के लिए। अब यहाँ पे इसके बाद आप जाके आप कोई भी कस्टमाइजेशन उठा सकते हो। जैसे लेआउट के अंदर अगर मैं जाऊँगा या फॉर्म्स के अंदर मैं जाऊँगा, सो फॉर्म ओवरव्यू, ये आपका फॉर्म रहेगा। बेसिकली इसने हमें एक फॉर्म क्रिएट करके दे दिया है, ये पूरा आपका फॉर्म है। डिसेबल इनपुट एक्सेसिबिलिटी, ये एक छोटा सा फॉर्म है ईमेल एड्रेस और पासवर्ड के लिए। अगर ये फॉर्म हमें यूज करना है हमारे कोड के अंदर, तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से पूरा के पूरा कोड कॉपी करना है। जो हमारा ऐप है app.js के अंदर जाएंगे, सारा कोड हटा देते हैं। अब यहाँ पे हमें एरर क्यों दिख रही है इनपुट के अंदर? यहाँ पे हमें एरर इसलिए दिख रही है क्योंकि सर ये इनपुट टैग हमारा ओपन तो हुआ है बट क्लोज नहीं हुआ है। सो बैक स्लैश लगाएंगे और इसे क्लोज करेंगे हर जगह से। यहाँ पे आके देखोगे फॉर्म मिल गया आपको। आपको कोई कोड लिखना पड़ेगा क्या यहाँ पे? सर आपको फॉर्म मिल गया, अब इस फॉर्म को आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखो वैलिडेशन भी लगे हैं, प्लीज इंक्लूड एट द रेट इन द ईमेल एड्रेस इज मिसिंग एट द रेट। ठीक है तो इस तरीके से आप बूटस्ट्रैप का यूज कर सकते हो। बूटस्ट्रैप में और भी फंक्शनैलिटीज हैं रिगार्डिंग मल्टीपल लेआउट्स, जैसे आपको फॉर्म कंट्रोल करना है, रेडियो बटन्स चाहिए आपको, ये हमारी रेडियो बटन्स होती हैं जिसमें डिफॉल्ट चेक बॉक्सेस होते हैं, चेक बॉक्सेस चाहिए आपको तो आप ये कोड यूज कर सकते हो। रेंज चाहिए आपको पर्टिकुलर जो आपने देखी है, प्राइस की रेंज आती है। आप जब भी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट को यूज करते हो चेक करिए आपने। ठीक यस सर देखे सो ये कोड है उसका। अगर आपको प्राइस की रेंज चाहिए सीधा सीधा कॉपी करो कोड, आपको ना सीएसएस लिखनी है ना आपको जावास्क्रिप्ट लिखनी है। अपनी सीडीएन लगा दिया है वहां पे, अगर आप इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हो सो ये सारी सीएसएस और जावास्क्रिप्ट आपकी फेच करके लाएगी और आपके प्रोजेक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट कर देगी ऑटोमेटिकली। ये आ गई आपकी रेंज, अब आप इसको मूव भी कर सकते हो। ठीक है यस इसी तरीके से मल्टीपल और है, फ्लोटिंग लेबल्स चाहिए आपको, ये लेबल्स मिल जाएंगे आपको फ्लोटिंग, ये रहे इनवैलिड इनपुट वाले,
लेआउट्स और चाहिए, तो ये सारे लेआउट्स हैं, वैलिडेशंस हैं, ये आपको मिल जाएंगे। सपोज आपको ग्रिड व्यू चाहिए, आपको कुछ कंटेंट दिखाना है, सो आपको ग्रिड व्यूज भी मिल जाएंगे यहाँ पे, या आपके ग्रिड व्यूज होते हैं। अगर आपको कोई ग्रिड दिखानी है जो कि कॉलम में है, तो कॉपी करोगे आप, कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री, तीनों कॉलम दिख रहे हैं। यस तो अगर आप वो ये कहाँ काम आएंगे ये भी बताता हूँ, कोड पैन में जाएंगे। सब्सक्रिप्शन ले रहा है, ठीक है। अगर आपको कोई प्रोडक्ट ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर अगर आप वर्क करते हो, तो आप प्रोडक्ट शो कर सकते हो, जस्ट लाइक ये ग्रिड में जैसा शो हो रहा है वैसा, ठीक है। वन टू थ्री, इसके नीचे से दूसरे प्रोडक्ट स्टार्ट हो गए, तो इस तरीके से आप ग्रिड व्यू का भी यूज कर सकते हो। आपको सिर्फ इमेजेस डालनी है और बैकग्राउंड का कोड लिखना है। अगर हम और देखें तो यहाँ पे हमें टेबल्स मिल जाएंगे, ग्लिटर्स मिल जाएंगे, कॉलम्स मिल जाएंगे। गेटिंग स्टार्टेड में जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिल जाती है। अगर हमें बेसिकली टेबल चाहिए, ये हमें टेबल्स का कोड मिल गया है। अगर हमें कोई डेटा दिखाना है इन द फॉर्म ऑफ टेबुलर, सो हम यहाँ पे इस कोड का यूज कर सकते हैं। इसे कॉपी करेंगे, यहाँ पे हमें टेबल के फॉर्म में डेटा दिख रहा है, तो यस सर। ये सारी चीजों को हम यूज कर सकते हैं बूटस्ट्रैप की हेल्प से, और हमारी वेबसाइट को और अच्छी तरीके से डिजाइन कर सकते हैं कम टाइम में, ठीक है। तो ये होता है बूटस्ट्रैप, समझ में आया कैसे यूज होना है? यस सर। ओके फाइन, सो अब हम यूज इफेक्ट देखते हैं। सो जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि यूज इफेक्ट हुक कम यूज इसलिए करते हैं ताकि हम कोई भी पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर सके किसी भी साइड इफेक्ट के ऊपर। ओके सो कोड पे चलते हैं। यूज स्टेट हमने लिया था, उसी तरीके से हमें इंपोर्ट करना होगा क्या, यूज इफेक्ट, ठीक है। सो हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, या तो ये पूरी लाइन फिर से लिखें, या फिर यूज स्टेट के साइड में यूज इफेक्ट का यूज कर लें। यहाँ पे अब हमारा यूज इफेक्ट भी इंपोर्ट हो गया है। अब इसका जो का जो सिंटैक्स होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, यूज इफेक्ट कीवर्ड एरो फंक्शन
कॉमा करके एक डिपेंडेंसी एरे। अब डिपेंडेंसी एरे क्या करता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। सो यहाँ पे एक बेसिकली कंसोल डॉट लॉग प्रिंट करते हैं। ये हमारा कल का फंक्शन है। यहाँ पे हम यूज इफेक्ट रन्स लगा रहे हैं। यूज इफेक्ट इज नॉट डिफाइंड, ओके नो इश्यू। कॉमा यूज इफेक्ट चालू हो गया हमारा। इंस्पेक्ट करेंगे इसको, कंसोल चेक।